सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पावर सप्लाई बनाएंगे जो कि 24024 की पावर सप्लाई बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास इन्वर्टर किट है 40 वाट का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे टेस्टिंग करके बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब है। सो इसे कनेक्ट करते हैं, इसे सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक 12 वोल्ट की इसे कनेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। सो फ्रेंड, ये अच्छी तरीके से एलईडी बल्ब वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पावर सप्लाई बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पावर सप्लाई बनाने के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है कंपोनेंट्स, सिर्फ आपको ये वाला ट्रांसफार्म ही चेंज करना है। सो फ्रेंड, फटाफट से भी चेंज करके देखते हैं और पावर सप्लाई बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, एलईडी बल्ब की प्रोब को निकाल देते हैं और ये वाली स्विच को भी प्रोब को निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वाले ट्रांसफार्मर को निकालना है सोल्डरिंग की आयरन सोल्डरिंग से। सो फ्रेंड्स, इसे निकालने के बाद इसमें दूसरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को सोल्डरिंग से निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स, इसे निकालने के बाद सो फ्रेंड्स, ये वाला ट्रांसफार्मर निकल गया है, इसे साइड में रख दीजिए। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वाले ड्रेन साथ ड्रेन में ए वाले ड्रेन और ये वाला ड्रेन जो कि मिडिल से है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मॉस्फेट का ए वाला ड्रेन पॉइंट के साथ और बैटरी के पॉजिटिव के साथ और फिर ड्रेन के साथ इसे आपको ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 12012 का इस साइड से इनपुट में और आउटपुट में 24024 देगा। तो फ्रेंड्स, इसे फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मेरे पास ये 2 कैपेसिटर हैं और एक ब्रज रेक्टिफाइड डाइवोट और कुछ जम्पर वायर। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस डाइवोट का पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव है डाइवोट का, इसे कैपेसिटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड, इस वाले डायोड का नेगेटिव पिन आपको इस वाले कैपेसिटर की नेगेटिव पर कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस वाले 24 वाले पिन पे इसे कनेक्ट करना है। इसके बाद डाइवोट का दूसरी पिन पे कनेक्ट करना है। फिर एक और वायर लेंगे जो कि 24 के ट्रांसफार्मर की थर्ड वाली पिन पे कनेक्ट करना है, 24 वोल्ट देगी आउटपुट में, और डाइवोट की थर्ड वाली पिन पे कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कनेक्ट कर लिए कुछ इस तरीके से।
इसके बाद फ्रेंड्स से कि आपको ब्लैक बारिश की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास ऐसे के कैपेसिटर का ये वाला कैपेसिटर का पेन और इस कैपेसिटर का नेगेटिव पेन, इसे आपको उसमें एक जगह कनेक्ट करना है। सबसे पहले इसे कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव को, कैपेसिटर की पॉजिटिव पेन और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव पेन। सो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिए। सो फ्रेंड्स इसके कनेक्ट करने के बाद आपको इस वाली ब्लैक वायर को इस वाली जीरो पर लगाना है, 24/0/24 पर, जो कि इस वाली पिन पर लगेगा बीच की। सो फ्रेंड्स मैंने इसे भी सोल्डरिंग कर दी है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि पावर सप्लाई आपकी बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसे सबसे पहले इसे टेस्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है पावर सप्लाई का, जो कि अपन इनपुट देंगे इस बैटरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। सो फ्रेंड्स मैंने इसकी वायरिंग कर दी है पावर सप्लाई। सबसे पहले इसे कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आपको इस स्विच को ऑन करके देख लेना है कि पावर सप्लाई काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक बार ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। इसके बाद इस कैपेसिटर को शॉर्ट करके देखना है कि अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स ये आपकी सप्लाई बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद नेगेटिव को इसके प्रोपोल नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाएंगे। सो फ्रेंड्स ये 33 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद इसमें अभी कोई लोड नहीं है, ये 24/0/24 की पावर सप्लाई है। जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये 24/0/24 में वोल्टेज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स मेरे पास एक एलईडी बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स मैं इसे टेस्टिंग करके बताऊंगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। सो फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से वर्क कर रही है एलईडी बल्ब। सो फ्रेंड्स ये पावर सप्लाई बनके रेडी हो चुकी है। तो सो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जो कि नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही।